तो दोस्तों आज का जो वीडियो है रूस भारत को कोरोना वैक्सीन कब भेज रहा। तो दोस्तों मैं हमेशा टेक की वीडियो लेके आता हूँ, लेकिन कभी कभी आपके लिए कुछ विशेष न्यूज़ होती है तो वो भी लेके आता हूँ। तो दोस्तों देखते रहे मेरे चैनल को अंत तक। मैं आपको बताने वाला हूँ रूस कोरोना की वैक्सीन भारत को कब भेज रहा है। तो आप देखें, ये देखिए न्यूज़ दोस्तों, रूस भेज रहा है भारत के लिए कोरोना वैक्सीन, जानिए कब। मैं आपको पूरी पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों, अंत तक देखना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। रूस भेज रहा है कोरोना वैक्सीन, पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है, वही भारत देश के लिए रूस की तरफ से बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि कोरोना के लिए रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के ट्रायल इसी महीने भारत समेत सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, फिलीपींस, ब्राज़ील में शुरू होंगे। फेज 3 परीक्षण के प्रारंभिक परिणाम अक्टूबर-नवंबर 2020 में प्रकाशित किए जाएंगे। बता दें, भारत में लगातार दूसरे दिन भी 24 घंटों में 90,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए। इस बढ़ते खतरे के बीच भारत रूस की कोरोना वैक्सीन की गंभीरता से अध्ययन कर रहा है। भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुसुदे ने कहा कि रूस विभिन्न स्तर पर वैक्सीन को लेकर भारत के संपर्क में है। अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार रूस ने भारत के साथ वैक्सीन को लेकर सहयोग के तरीके साझा किए हैं। फिलहाल भारत इस वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर अध्ययन कर रहा है। इस मामले में भी और आधिकारिक जानकारी नहीं है, इंतजार है। दोनों देशों के बीच वैक्सीन की सप्लाई प्रोडक्शन को लेकर भी बात चल रही है। कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को अगले हफ्ते, सुनना दोस्तों, कोरोना इस वैक्सीन स्पुतनिक वी को अगले हफ्ते आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। रूस के रक्षा मंत्री को कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी दी गई है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी एक बेटी को भी टीका दिया जा चुका है और उसमें एंटीबॉडी विकसित हुए हैं। तो इनको दोस्तों देखने के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह का नया वीडियो लेके आऊँगा। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।